हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर उर्मिराज के में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी इन देसी स्टाइल, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज फूल गोभी, दो मीडियम साइज आलू, एक मीडियम साइज टमाटर जिसे मैंने कट किया हुआ है, तीन हरी मिर्च, गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये मैंने लिया है मसाले के लिए, जिसमें है मेरा 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून है मेरा चिली पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग है, 1 पिंच हींग और जीरा 1 टीस्पून, ऑयल मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिया हुआ है और पानी जो है 1 कप, इसे हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने मेरा आलू कट कर लिया है और इसमें नमक लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और गोभी मैंने कट कर ली है और अब मैं मेरे मसाला तैयार करूँगी। मसाला तैयार करने के लिए हम ये हमारी लहसुन, ये अदरक हम काटेंगे, हल्दी पाउडर, जितना 1 से 1.5 चम्मच लिया था, और इसको हम ऑयल को हीट होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा वो हम इस पर डाल देंगे। और जैसे ही हमारी इस तरीके से क्रैक होने लगेगी तो हमारे सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। देर से होते हैं, अगर आप आलू गोभी साथ में डालेंगे तो आलू कच्चे रह जाएंगे या गोभी हमारी ज्यादा पक जाएगी, ज्यादा गल जाती है, और ज्यादा गल हुई गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो आपकी जो गोभी है वो थोड़ी कड़क रहेगी और खाने में अपना अलग टेस्ट देगी। स्पून से या नाइफ से चेक कर लेंगे, अभी नहीं हुए हमारे आलू। इसको हम इस तरीके से ऑयल में कर देंगे, 1/2 कुक होने चाहिए, आपको पूरा नहीं पकाना है, अदरवाइज फिर आपकी गोभी कड़क रह जाएगी और आपका जो आलू है वो ज्यादा गल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये
नीचे ना लगने पाए। ये आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं देखिए, और अब हम इसमें ये हमारे गोभी डाल देंगे। गोभी को आप लोग नरम होने देंगे। और गोभी जब भी लें आप एकदम कच्ची होनी चाहिए, और काटते समय ध्यान दें कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, अच्छे से चेक करके काटें। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो थोड़ा सा उसे नमक के पानी में, थोड़ा गर्म पानी लें उसमें नमक डाल के थोड़ी देर उसमें गोभी को डिप कर दें और उसके बाद बनाएं। तो अगर कुछ आपको वर्म्स का है तो वो निकल जाएंगे। मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये आप केवल 10 से 20 या 30 सेकंड तक आप रखेंगे। इसमें हमारा जो मसाला हमने कूट के तैयार किया हुआ है सभी, अब इसमें अलग से जीरा या कुछ डाल, सिर्फ हमने हींग का छौंक लगाया है, बाकी कुछ नहीं डाले हैं। बाकी हम सारा मसाला इस तरीके से डाल लेंगे। सॉल्ट अगर आपको कम लगे टेस्ट करके देख लें, और आप बाद में ऊपर से डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से मिक्स नहीं करूंगी, इसे सिर्फ ऊपर फैला दूंगी मैं, और इसे इसमें एक बार और भाप लग के, और फिर मैं इसे मिक्स करूंगी। इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा पानी डालूंगी। मेरी कई रेसिपीज में आपने देखा होगा ये एक तो बेस्ट वे है इस तरीके से पकाने का, इससे भाप अंदर बनती है और सब्जी जो कोई भी, अगर हमारे नॉनस्टिक पैन नहीं है तो जो हमारी वेजिटेबल है वो जलेगी नहीं। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया है, बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, मैंने नहीं यूज करा है। ये देखिए, और मसाले जो मैंने कूट के बनाए हैं आप चाहे तो डायरेक्ट उसका आप छौंक बना के लगा सकते हैं, पर एक बार ये मेथड जरूर ट्राई करिएगा। ये आपके जो है आपके गोभी पूरी मसाले मैरिनेट हो जानी चाहिए, अच्छे से मसाला इनके ऊपर लग जाना चाहिए। तो हम इसके साथ साथ ये हमारे टमाटर भी इसमें ऐसे ऊपर से डाल देंगे। सच में ये बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। तो पहले मुझे भी लगता था टमाटर इस तरीके से, क्योंकि मैंने भी ये मेथड पिछले 3 साल से ही ट्राई करा है। पहले मैं मसाला पूरा छौंक के ऑनियन के साथ बनाती थी, इसमें ऑनियन नहीं यूज करा है। पहले पूरा मसाला फ्राई करके जितना भी आपका टमाटर प्याज लहसुन और जितने भी हल्दी धनिया नमक मिर्च वो सब पहले फ्राई करके फिर उसके बाद उसमें गोभी और आलू डाल के बनाते थे, और ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है फ्रेंड्स। इससे हमारी सब्जी थोड़ी लुटपुटी सी बनेगी, मीन्स हल्की सी, और इसे हम ढक के रख देंगे। सॉल्ट आप टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं ये, और उसे हार्डली 1 मिनट के बीच बीच में आप चेक करते रहिए। 1 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी, उसके बाद इसको बीच में चलाते रहिए ताकि आपकी सब्जी लगे ना। अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो भी आप थोड़ा सा बीच में चला लें। ये देखिए मैंने अभी खोल के चेक करा है, और ये इस तरीके से हमारा हो गया सब्जी। और अगर आप चाहे तो ये चेक करके देखिए, हमारा आलू भी थोड़ा कच्चा है, तो इसे हम थोड़ी देर और कुक होने देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुक हो रही है, तो जो आपने
जो ये पानी भाप का बना है देखिए इसमें बबल्स आए हुए हैं, तो आप उसे थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। ये कोई जरूरी नहीं है, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुक हो रहा है तो इस तरीके से। तो ये मेरी गोभी की लटपटी सब्जी तैयार हो जाएगी। मैं इसे फिर से ढक दूंगी और गर्म पानी हटा दिया है, फिर से ठंडे पानी की भाप बनाऊंगी। देखिए सब्जी हमारी कुक हो रही है, इसे बहुत सावधानी से पलटेंगे अब इस तरीके से, नीचे से ऊपर कर देंगे। ये हमारी गोभी हम चेक करेंगे, ये अभी थोड़ी हार्ड है, तो इसको हम अच्छे से एक बार और कुक। आलू गोभी की सब्जी हमारी बन चुकी है और इसे हम थोड़ी देर इस तरीके से खुला पकाएंगे। अगर आपको ज्यादा गीला लग रहा है सब्जी में तो थोड़ी देर आप थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर कि आपके आलू और गोभी जो है वो टूटे नहीं। और ये देखिए हमारे आलू गोभी की देसी स्टाइल में सब्जी तैयार है, क्योंकि पहले मसाले वगैरह कूट के पहले बनाते थे, आजकल तो फ्राई करके बनाते हैं इस तरीके से। तो आप ये सब्जी घर पे जरूर ट्राई करिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस और जस्ट एंजॉय दिस आलू गोभी सब्जी इन देसी स्टाइल। बाय बाय।